आपके परिवार को, अपने रिश्तेदारी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, या कहीं से भी किसी भी रूप में आपको सहायता नहीं मिलती। हर व्यक्ति धोखा देने के लिए तैयार रहता है, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आपके अपने व्यापार में भी जहां माल देते हैं या जहां से आप माल लेते हैं, वहां से भी आपको सहायता नहीं मिलती। सहायता आपकी किसी भी रूप में हो सकती है, पैसे के रूप में भी हो सकती है, और आपके अपने परिवार की तरफ से भी हो सकती है, आपके अपने फ्रेंड सर्कल के साथ खड़े होने से भी हो सकती है। आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, तो आज मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट, इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है, कौन सी दिशा है जिसकी वजह से आपके यहाँ सहायता मिलने के रास्ते सारे ही बंद हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा में जब भी वास्तु दोष आ जाता है, तो हर तरफ से सहायता मिलने के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि वायव्य दिशा हमेशा ही सहायता की दिशा मानी गई है। और जब भी वायव्य दिशा सही होती है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए चारों तरफ से सहायता मिलने के रास्ते बन जाते हैं। आप अपने घर की वायव्य दिशा को चेक करें, या जहां आप काम करते हैं, आपकी अपनी फैक्ट्री है, दुकान है या शोरूम है, जिस भी बिल्डिंग में आप काम करते हैं, वहाँ की वायव्य दिशा को जरूर चेक करें। जब भी वायव्य दिशा का फर्श का लेवल ऊँचा हो जाता है या नीचा हो जाता है, तो वास्तु दोष बन ही जाता है, क्योंकि वायव्य दिशा जब भी नॉर्थ ईस्ट के भाग से नीची हो जाती है, ईशान कोण से, उत्तर पूर्व के कोने से नीची हो जाती है, तो आपके यहाँ वास्तु दोष बन जाता है। और जब भी नैऋत्य दिशा, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से वायव्य दिशा ऊंची हो जाती है, तो भी वास्तु दोष बन जाता है। इसलिए आपको अपने यहाँ वायव्य दिशा को सही करना है। वायव्य दिशा में फर्श का लेवल नैऋत्य दिशा के फर्श के लेवल से नीचा होना चाहिए, आग्नेय दिशा के फर्श के लेवल के बराबर रख सकते हैं, और ईशान दिशा के फर्श के लेवल से हल्का सा ऊंचा होना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वायव्य दिशा हमेशा ही सहायता करने के लिए तैयार रहेगी। वायव्य दिशा में पानी का अंडरग्राउंड टैंक आ जाता है या सबमर्सिबल लगा दिया जाता है, तो भी वास्तु दोष बन जाता है, क्योंकि पानी का टैंक नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनने से गहराई बन जाती है, सबमर्सिबल लगने से भी गहराई बनती है, तो सहायता मिलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। आपने अपने यहाँ पर वायव्य दिशा को सही करना है, ताकि आपके यहाँ दोबारा से हर व्यक्ति सहायता करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वायव्य दिशा हमेशा ही सहायता की दिशा मानी गई है। जब भी वायव्य दिशा सही होती है, तो उस घर के अंदर हर तरफ से, चारों तरफ से सहायता मिलने के रास्ते बन जाते हैं। आप मेरे इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो से मिलने वाली जानकारी हर व्यक्ति के काम आ सके। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।